गाइज वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज संडे है तो आज जिम वगैरह भी नहीं गई हूँ, जाऊँगी और उसके बाद सारा काम वगैरह हो गया, नहा धोगी। और संडे को आज क्या बनाया स्पेशल, पहले तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मेरे चैनल में नए हो लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिम से रिलेटेड, एसएल से रिलेटेड, बहुत तीखा लग रहा है गाइस। बहुत गर्मी, मतलब अभी मौसम सही हुआ था और फिर इतनी तेज़ गर्मी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आ रहा है। तो मैंने आज क्या बनाया, आज मैंने बनाया पास्ता जो मैं पिछले संडे बनाई थी और रेसिपी भी डाली थी। बनाया मैंने सैंडविच, ये देखो ये काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ रहा खाने में, बहुत तीखा भी है। ये इसका रेसिपी थी। और क्या बना, ये रहा पास्ता। आप लोग सोच रहे होगे कि पास्ता लड़की खाती है, जिम भी करती है, इतना सोच रहे होगे कि लड़की जिम करती है, इतना वर्कआउट करती है, डाइट लेती है और पास्ता खा रही है, तो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो देखो मैं पास्ता नहीं खा रही, मैं दिखा रही हूँ तो मैं क्या बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ पेने। ये है गाइस पेने, ये बिल्कुल हेल्दी है, मैदा इसमें नहीं है, तो ये आप लोग खा सकते हैं। जिनको नहीं पता है, सब लोग को मैक्रोनी पास्ता पता है, ये है पेने पास्ता, मैक्रोनी का बाप कह सकते हो आप। ये पेने ये आप खा सकते हो और ये हेल्दी है, हेल्दी स्टाइल में, क्योंकि मैं जैसे बनाई थी आप लोग को पता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मज़ा आया खाने में। मैं खाई नहीं, अभी खाऊंगी, अभी सैंडविच खाया ना, बहुत तीखा लग रहा है। और उसके बाद किचन पूरा गंदा है, मैं नहा धो ली हूँ। आज का ब्लॉग गाइस रहेगा जिम से रिलेटेड। कल मैं लेग वर्कआउट की थी तो वो लेग वर्कआउट का मैंने वीडियोस बनाया है, उस पर मैं थोड़ा आप लोग को बताऊँगी कि बिगनर्स कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और लेग वीक में कितने दिन करना चाहिए, इससे रिलेटेड रहेगा। और आज जाऊँगी जिम तो आज करूँगी सिर्फ वीडियो शूट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे मेरे इंस्टाग्राम में। तो गाइज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और बिग बॉस पंगुन देखना, आज का वीकेंड का वार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अरमान मलिक को बहुत ज़्यादा सुना रहा है, अनिल कपूर जी सुना रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और ये मैंने आज अपना पूरा वो क्या कहते हैं रिंग वगैरह साफ़ किया है, ये भी मैं साफ़ करती हूँ। मैं पिछले दिन में मुझे लगता ना मैं पंडित हूँ, मैं हर चीज़ मतलब संडे सैटरडे मेरा इतने काम में निकल जाता है। मैं सुबह उठी हूँ 7 बजे, सारा काम की, सब सफाई, क्लीन एकदम बिल्कुल। अब मैं खाना बना रही हूँ और गाइज मैं एक चीज़ और बना रही हूँ, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बताओ गाइज, जो लोग बिहार के हैं वो जानते होंगे क्या है ये। तो कढ़ाई पे मत जाना, ये कढ़ाई थोड़ा काला हो गया है, साफ़ नहीं होता। तो ये मैं बना रही हूँ आम, लाई थी कच्चा आम, उसका बना रही हूँ चटनी। इधर चटनी कह लो और हमारे बिहार साइड कहते हैं इसको गुरुमा, गुरुमा ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये कच्चा आम है, इसमें सिर्फ गुड़ है और लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, डेट्स इट। मैं सोची लंच लेके जाती हूँ तो फिर मैं यही लेके जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और ये रहा कच्चा आम, देखो ये देखो, ये थोड़ा सा पका है, अब ज़्यादा कच्चा आम है नहीं तो ये खाऊँगी। और आज मैंगो लेके आई, और गाइस एक चीज़ और लेके आई हूँ, आज लेके आई हूँ मैं जामुन, जामुन अपने सही सुना। तो गई थी मैं लीची भी लेने बट लीची ख़त्म हो गया, आपसे नहीं आ रहा है, तो फिर जामुन लेके आ गई और मैंगो। देखो भाई बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ, इसके बहुत फायदेमंद भी है। तो आप लोग बताओ, जा रही हूँ मैं पास्ता खाने के लिए, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मैं जाऊँगी जिम, उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोग से बाद में। ये मेरा लिप कितने स्वेटिंग हो रही है, लिप रेड हो गया सिर्फ। चलो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं जिम में वर्कआउट करने के लिए। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब है एकदम, स्किन मेरी तो जल रही है बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी, तो मन नहीं करता जिम करने का, बट मैं सोची नहीं आ जाती हूँ फिट और टाइम नहीं मिलता है, मतलब नहा धो के रेडी होके भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए करते हैं वर्कआउट, मिलते हैं फिर आप लोग से थोड़ी देर बाद। गाइस वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बैठी नहीं आप, नींद बहुत आ गई।